हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप भी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है राखी नेगी और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राखी नेगी व्लॉग्स में। तो गाइस, व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी शाम के 4 बजे से और अभी मैं उठ चुकी हूँ सो के। तो चलते हैं धान लगाने के लिए, क्योंकि आजकल धान लग रहे गाइस हमारे। हमने तो नहीं लगाए बट ऊपर लग रहे दीदी और के, तो अभी मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ। तो थोड़ा हाथ मुँह धो लेती पहले एक बार, फिर चलते हैं उधर। यहाँ पर लगाएंगे हम लोग धान और इधर जेठ जी लगा रहे ट्रैक्टर, इधर ससुर जी। और ये देखो इतने सारे धान लगाएंगे हम आज। और ससुर जी समझ गए हैं कि वीडियो बन रही है तो उनको पता चल चुका है। काय राम राम। ये रही हमारे धान की पौध जो कि हम लगाएंगे खेत में। तो दोस्तों यहाँ पर खेत हो चुके हैं रेडी और अभी हम लोग कर रहे हैं लगाने की तैयारी। इतना लगाएंगे आज। तो यहाँ पर धान की रोपाई हमारी हो चुकी है कंप्लीट और ये है हमारे लगाने वाले। आजा। तो गाइस इनको अभी दिहाड़ी नहीं मिली है इसलिए ये दिहाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। और उधर वो सबसे ज्यादा काम इसने किया गाइस आज। लगाया मैंने वही तो सर। तो सबसे ज्यादा काम जिया ने किया। जिया अभी आ रही की बैठने के लिए। और अकू के बारे में तो क्या ही बोलूं मैं। है क्या ली जाने का ले जाने लीजो। गई हूँ मैं धान लगा के और भी चलते हैं घर की तरफ। और मुझे मिला है ये आम। आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि आज हमने धान वगैरह लगाया तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इसकी वजह से बाकी का व्लॉग मैं कल सुबह बनाऊँगी और कल ही अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं कल सुबह। तो गाइस गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह की चाय पी रही हूँ मैं। उठ चुकी हूँ 5:30 बजे और आज की व्लॉगिंग हो रही है 5:30 बजे से। तो आज बच्चों की भी छुट्टी है, क्या बोलते हैं डीएम ने छुट्टी दे रखी है बारिश की वजह से। तो हाल फिलहाल तो कोई बारिश नहीं पड़ रही है अभी तक, तो देखते हैं कब तक पड़ती है बारिश। और ना आज का दिन बहुत ही स्पेशल है गाइस, क्योंकि ना आज मेरे स्वामी जी का बर्थडे है और उनको मैंने अभी तक बर्थडे विश नहीं किया है। और उनको लग रहा होगा कि ये जान उनको लग रहा होगा कि ये भूल गई, लेकिन मुझे याद है तो मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ। तो देखते हैं उनके बर्थडे पे क्या क्या करते हैं आज, देखते हैं। अभी खाली अभी करना कुछ नहीं है तो मुझे अभी विश नहीं करना है उनको, है ना। विश करेंगे उनको बहुत देर में बाद में, जब उनको ऐसा लगेगा कि ये भूल गई, इसको याद ही नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ ना आज उनके लिए मैं केक लाऊं, है केक, क्योंकि ना वो मतलब अब ना अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं यार, वो हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना उनको भी सरप्राइज़ दिया जाए। तो देखते दे पाती हूँ मैं सरप्राइज़ या नहीं दे पाती, क्योंकि ना आजकल काम भी बहुत ज़्यादा हो रखा जाए, आप लोग नहीं समझोगे। लेकिन तो कोशिश करूँगी मैं पूरी कि आज मैं उनको सरप्राइज़ दूँ। तो क्या दूँ वो अभी वीडियो में आगे आगे देखें। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 8 और आज मैं अपने स्वामी जी को सरप्राइज़ देने वाली थी, लेकिन हमें ये सरप्राइज़ मिल गया तो मैं बता नहीं सकती है अभी। तो चलो सरप्राइज़ बताती हूँ मैं आप लोगों को हमें क्या सरप्राइज़ मिला है आज। क्योंकि गाइस मैं भी मतलब लाने वाली थी केक वगैरह, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला आजकल। जैसे कि मतलब आपको पता ही होगा कि आजकल धान की रोपाई हो रही है, तो हम भी गए हुए थे, मतलब दीदी और के साथ गई हुई थी मैं मंडवा लगाने के लिए, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, अभी आ रहे हम, तो इसलिए मैं जा नहीं पाई। फिर मैं घर में मतलब सब्जी काट रही थी तो अचानक से सरप्राइज मिला मुझे। तभी बताती हूँ मैं क्या सरप्राइज़ मिला। पहले मैं फ़ोन कर लेती हूँ, फ़ोन उठा लेती हूँ, मतलब जिन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया, हमें सरप्राइज़ दिया है उनका हमें बार बार फ़ोन आ रहा है। तो चलिए देखते हैं पहले कि किसने मुझे सरप्राइज़ दिया। तो ये स्वामी जी का फ़ोन, तो उनके फ़ोन में ही आ रहा है फ़ोन। तो पहले बनाते हैं बेवकूफ़, तो मैं गढ़वाली में बात करूँगी नहीं तो समझ जाएगी।
ठंडी जा रही है। दोबारा कर दूं एक बार। तो वीडियो में बने रहना, स्किप बिल्कुल मत करना, सुनते हैं पहले। हेलो 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 हेलो, के कने छे? ठीक ठाक छे। नमस्कार नमस्कार, ठीक छे? के कने छे? खायल खाना के? अरे आओ आज को देर। चल दोबारा कह रही, दोबारा कह। तो अभी आवाज सही से नहीं आ रही है। तो गाइज ये मेरी नाना थे सबसे छोटी वाली, तो उसी ने हमको सरप्राइज दिया है शायद। मुझे भी अभी ढंग से पता नहीं है, मैं मतलब क्योंकि अभी सरप्राइज मिला जैसे हमें, तो वैसे उसका फ़ोन आया, तो मुझे लगा शायद उसी ने भेजा होगा। तो सरप्राइज भी देखते हैं क्या है, क्योंकि आज मेरे स्वामी जी का बर्थडे है। तो फिर से करते एक बार फ़ोन, तो अभी बता देगी वो अगर उसने भेजा होगा तो। तो फिर से मैंने कॉल लगा लिए, लेकिन फ़ोन लग नहीं रहा उसका, पता नहीं क्यों, नेटवर्क नहीं है शायद, तो कट गया है अभी। हेलो। हाँ हेलो। हाय नमस्कार। नमस्कार, ठीक छे? बस बढ़िया। क्या कहने छे? आई गेट ड्यूट परे। हाँ अच्छा, और तो बर कभी पढ़नी नहीं आ रहा पढ़नी क्या? हाँ एक दिन हम पढ़ जा रहे थे, आप बंद हुई है। और बाय। हेलो हेलो। तो गैस मुझे हंसी आ रही है क्योंकि वो बोल नहीं रही है और मैं भी बोलना नहीं चाहती, वो अपने बाप बोलेगी। फिर से करते एक बार फोन। हाँ ये त्यार आवाज ही नहीं आने को गई। अरे कटे कटे नाने को बात दादा का उसके नहीं न बरी। हाँ रियांस कर दे। रियांस किताब पढ़नो पापा कब है वो खोल रहे? और तब बाय। बस यार बाय कुछ नहीं है। अच्छा और बाय ने तेज क्यों है ता? नेताजी अब बर्थडे तैयार होनी चे। नए ना बैक करनी चाहे छह जा मैं तैयार के भी ले रहा हूँ केक तिल भिजवा क्या बोले माँ कसम बोली बोले यार अच्छी की बोली क्या तिल भिजवाने बोल तो बस शिवानी करा ऑर्डर बोले एक आ रहा चाहे केक दिन वाला कल भिजवा तब बोले यार मैं तो लिया ही रो एक ने आई एक है भी आ गया बने केक खाए से जाओ बना अब केक खाए से जाओ आई बोले यार मैं लास्ट बार पूछना चाहो तभी वही बात बस होती है ने मिलनी ब्याज बना। हाँ हाँ तिल्ली ब्याज में तो पता चले मिलनी ब्याज बना मेरा वो यार हूँ तो मैं वही का
तो जान बुझने लगा वाला तिलदा हां मैं भाती लगाया हो रहा है मिल मिल जान मुझे थोड़ी लगी तब या तो तभी बन जाती है याद नहीं चाहती पूरे में फोटो लगा जाओ सरप्राइज चाहो नहीं सरप्राइज वाले भी हम का सरप्राइज है ना बोले तिले भेजा मेरा पता चो बस हाँ ना कसम झूठ बाल तिल्ली भिजवा बस आए आज तो हम यू जा भी तो यू परवा यू लगानी जानी पर पहल तीन बोली तेली भिजवा ने अरे मैं नहीं भिजवा रहा बना आई मैं थैंक यू तो बना यार थैंक यू बनाए अभी आओ दीना करे आई मैं तो सा करनो छे आओ हॉर्न बजाणो छे बाजी रुक जा पहला रुक जा दोबारा करो मैं तेरा आवाज नहीं आनी तो गाइस कंफर्म हो चुका है केक शिवानी ने नहीं भिजवाया उसने बोल दिया मैं नहीं भिजवाया तो थैंक यू शिवानी अगर तुम मेरी वीडियो देख रही हो तो हाँ मैं उससे बात कर रही हूँ पहले तब दिखाऊंगी क्या केक कैसे भेजा उसने ये है मेरी ननद का सरप्राइज अपने भाई के लिए शिवानी तो देखते है हाँ ओके तो ये आया हमारे लिए केक एंड बेक वाले भैया से तो अभी वो देने के लिए आया और मैं तो खुद सरप्राइज हो गई मैंने सोचा मैंने तो मंगाया नहीं तो कहाँ से आया ये चलो देखते पहले यार छोड़ना मैं दियो ले कल मैंने पकड़ दे जम देखो नहीं बुढ़ा बाण तो गाइस ये है सरप्राइज मेरी बर्थडे तो गाइस सब्जी मैंने यहाँ पे काट ली है और अब मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ जरा जब केक आ ही गया है तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने सूट पहन लिया है इससे पहले मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी मतलब काम करने के लिए तो मैंने सूट डाली है तो हमने अपने बच्चों को बुलाया है खाली मतलब मेरे भतीजोर को और हम ये बस तो चले निकालते हम सब है बस बाकी कोई नहीं है और यहाँ पर ये हमारा पूरा पूरे परिवार के बच्चे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे चाचा देखो चाचा रियाज देख चाची को भी तो खिलाओ चाचा क्यों मोटू नानू हट अरे क्या हो गया भैया कटोरी ले पाया मैं कटोरी ला तो मैं चाचा बुआ बोल दे नमस्ते बोल अबे चलते ओ मत कर जी उठ जाओ मत कर बस खा लो सारा एक दिन सोने वाला है हमारा मेरे को पता नहीं है
थैंक यू बुआ, बुआ थैंक यू, थैंक यू बोला मेरा केक भेजने के लिए। तो रेयांस ने मोमबत्तियों का कर दिया है कबर से, अच्छा लगा ना केक खा दिया, भर गया पेट, खाना भी खाना है। स्वामी जी का बर्थडे भी हमने सेलिब्रेट कर लिया, तो स्वामी जी कैसा लगा आपको? तो आप कुछ बोलना चाहोगे शिवानी के लिए? शिवानी के लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद, उसकी वजह से मैं आज मैंने अपना जन्मदिन मना पाया और जिंदगी में मैंने पहली बार केक काटा, पहली बार सेलिब्रेट किया, सेलिब्रेट किया। तो एक बार फिर से शिवानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से शिवानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं तो सरप्राइज, सच में सरप्राइज हो गई, तो इसे बोलते हैं सरप्राइज। तो मुझे बहुत अच्छा लगा शिवानी, थैंक यू सो मच केक भेजने के लिए। मैं तो नहीं ला पाई, नहीं बना पाई, जो मैंने सोचा था प्लान मेरा सब फेल हो चुका था, लेकिन तुमने केक भेजकर सारा प्लान फिर रिपीट कर दिया, तो तेरे लिए बहुत 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 बड़ा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो मैं बना रही हूँ खाना, बाय गाइस। तो गाइस खाना भी मेरा बन चुका है, और एक बार फिर से मैं अपनी ननद को बहुत 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 धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज जो मेरा सपना था तो उसने पूरा कर दिया है। तो शिवानी तेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो तूने अपने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट किया, मतलब सेलिब्रेट करने का मौका मुझे दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और दिल से बहुत धन्यवाद। तो ये केक मेरी ननद ने ऑर्डर करवाया था, केक एंड बेक दुर्गापुरी से, तो भैया रखनी खाल के ही है, रखनी खाल ब्लॉक के, हमारे गाँव के, हमारे पड़ोसी गांव के। तो बहुत ही अच्छा केक था, और ऑल द बेस्ट भैया आपके कारोबार के लिए, आपको आपका कारोबार बहुत ही अच्छा चले। तो चले फिर गाइस करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त, क्योंकि अब हम लोग खाना पीना खा रहे हैं उसके बाद सो जाएंगे, फिर सुबह जल्दी उठना है। तो चलिए फिर करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।